बाड़ी रोड के रहने वाले एक व्यक्ति ने आज मचकुंड सरोवर में कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मचकुंड से डेड बॉडी निकालकर उसका पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। पुलिस के अनुसार सोमवार सुबह सूचना मिली थी कि एक युवक की डेड बॉडी मचकुंड सरोवर में तैर रही है। वाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबको मचकुंड से बाहर निकलवाया। मृतक की पहचान बाड़ी रोड पर 132 केबी के पास रहने वाले सुग्रीव परमार के रूप में हुई। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में आत्महत्या का कारण 40 लाख की उधारी नहीं चुकाने की बात कही गई है। सुग्रीव परमार के किसी पर 40 लाख रुपए उधार थे, उसके द्वारा पैसे नहीं चुकाने पर सुग्रीव ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। आज सुबह क्योंकि मचकुंड से सूचना आई थी कि एक व्यक्ति मचकुंड तालाब में गिर गया है, उसकी बॉडी पानी पर तैर रही है। सूचना पर गए वहाँ पर, उसको डेड बॉडी को निकलवाया गया। मालूम चला सुग्रीव सिंह परमार हैं जो बाड़ी रोड पर रहते हैं, वो पानी में गिर गए हैं और उनके पास से एक सुसाइड नोट मिला है। रविवार की शाम से ही धौलपुर में बादलों ने अपना डेरा जमा लिया। रात में हल्की फुल्की बारिश के बाद सुबह होते होते झमाझम बारिश होने लगी। बारिश से मौसम एकदम खुशनुमा हो गया। कई दिन से पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों ने राहत ली। किसानों के चेहरे पर भी इस बारिश से खुशी देखने को मिली। दोपहर 12 बजे तक पड़ी तेज बारिश ने गड्ढों पोखरों के साथ शहर के गली मोहल्लों को बारिश के पानी से लबालब कर दिया। धौलपुर शहर में 65 mm, बाड़ी में 110 mm, बसेड़ी में 95 mm, सेंपोंग में 80, तालाब साई में 119 और उर्मिला सागर बांध में 75 mm बारिश दर्ज की गई। वर्षा से करीब 60 डिग्री तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी दिनों में भी अच्छी बारिश होने की संभावना है। मेरे से ही बारिश मौजूदा और मानसिक बात में रही है, जाते किसाने का बहुत बड़ा फायदा है। किसान हर्षित है, खुशी है, जो वर्षा का दौर चल रहा है इससे खेती में बहुत फायदेमंद है। और इससे बहुत मरीज गर्मी है, जिससे सभी लोग पशु पक्षी सब बेहाल थे, वो सब खुश हैं और हम भी बारिश का लुत्फ उठा रहे हैं। सुबह से ही इंद्रदेव मेहरबान हुए, काफ़ी इंतजार कराया इंद्रदेव ने। आज सुबह से वर्षा बहुत अच्छी हो रही है और किसानों के हिसाब से ये अमृत का बरसना शुरू हुआ है। सोमवार को हुई इस मानसून की पहली बारिश से प्रशासन के नाले और नालियों के सफाई अभियान की पोल खोल कर रख दी। नाले और नालियां चौकुने तक तेज बारिश के चलते शहर की मुख्य सड़कें नाले के रूप में नजर आईं, तो कई मोहल्ले में जल भराव होने से तालाब जैसे हालात बन गए। शहर के हरदेव नगर, संतर रोड, सेपो रोड, आरएसी रोड, राजाखेड़ा बाईपास रोडों पर पानी भरा नजर आया। सेपो रोड पर आनंद नगर कॉलोनी के सामने मुख्य मार्ग पर जल भराव से आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। रोड के साइड से नाले भी बने हुए हैं, लेकिन नाला रोड से ऊंचाई पर है, जिसके कारण पानी की निकासी नहीं हो पाती है। रोड की भी कई वर्षों से मरम्मत नहीं हुई है। आनंद नगर निवासी राजकिशोर सिंह परिहार ने बताया कि इस कॉलोनी में बड़े बड़े नेता चुनाव के समय आते हैं, कॉलोनी की स्थिति के सुधारने का वादा भी करते हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। कॉलोनी की ये पानी की बड़ी जटिल समस्या है। इसमें आने जाने में बच्चों में और राहतगीर और वाहनों के लिए खतरा पैदा होता है। हमने कई बार शासन को अवगत भी करा दिया। आनंद नगर कॉलोनी की स्थिति इतनी खराब है कि देखी नहीं जाती है। कृपया कलेक्टर महोदय आकर के या प्रशासन के कोई प्रतिनिधि आकर के देखें यहाँ की स्थिति को। और हमने 3 पुलियाओं की एप्लीकेशन दी, लेकिन मेन आनंद नगर, सेकेंड आनंद नगर और 3 आनंद नगर, एक भी पुलिया अभी तक यानी कोई मरम्मत ना उसका कोई उपचार हुआ, और इसलिए प्रशासन अनदेखी कर रहा है। रात से हो रही बारिश से बसेड़ी रोड के जारगा में महेंद्र सिंह परमार के मकान की 8 फुट ऊंची और 70 फुट लंबी दीवार ढह गई। दीवार गिरने के समय घर के सभी लोग कमरे में थे,
इसलिए कोई हताहत नहीं हुआ। दीवार गिरने से दीवार के सारे रखा सामान जरूर टूट गया। बाड़ी उपखंड पर सारा इंडिया कंपनी के एजेंटों ने निवेशकों के पैसे को सारा कंपनी द्वारा वापस नहीं किए जाने और बार बार कोरे आश्वासन देने से परेशान होकर पहले शिवाजी मार्केट स्थित सारा कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद बाजार में सारा कंपनी के खिलाफ रैली निकालकर एसडीएम राधेश्याम मीणा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिसमें सारा इंडिया कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है और सरकार से गुहार लगाई है कि निवेशकों के पैसे को सरकार अपने स्तर पर कार्रवाई करते हुए सहारा कंपनी से वापस दिलवाए। देख हम दोनों मियां भी विकलांग हैं और दोनों ने मतलब जा चक्कर में मतलब इलाज कराया को मतलब ये कि पैसा सहायता मिल जाएगा कछु जिस तरीका थोड़ी है कि मतलब हम बेसहारा है बिल्कुल। मैंने तो एक बार कोशिश करी है सुसाइड करने की लेकिन मेरे बच्चे के भाव से मैं बच गया हूँ। अगर मान लो ये कंपनी लॉलीपॉप दे रही है तो एजेंटों को ऐसी लॉली दे दे मतलब सेलफोर्स की गोली दे दे मर जाएंगे। ये पैसे तो दे नहीं रही है, ये 2012 से पैसे हैं मेरे। जयपुर की रियल एस्टेट कंपनी एमजी ग्रुप ने अपने नए ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट का जगतपुरा जयपुर में आज भूमि पूजन किया। ग्रुप अपने इस प्रोजेक्ट में लग्जरी 2 और 3 BHK फ्लैट ला रहा है। ये हाउसिंग प्रोजेक्ट वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज के साथ जगतपुरा की प्राइम लोकेशन पर है। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के गांव घोंसुआ में खेत से पशुओं के लिए चारा लेकर लौट रहे एक 58 वर्षीय किसान चित्र सिंह गुर्जर डीपी के पास पानी में फैल रहे करंट की चपेट में आने से अचेत होकर गिर गए। परिजन बेहोशी की हालत में बाड़ी सामान चिकित्सालय लेकर पहुंचे जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामले की सूचना ग्रामीणों ने स्थानीय कंचनपुर थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया। आज अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जयवीर सिंह पोसवाल की अध्यक्षता में अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बच्चू सिंह बैसला, विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय सचिव एवं राष्ट्रीय प्रभारी अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा सुंदर चौधरी रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि बच्चू सिंह बैसला ने कहा कि आज समाज प्रगति की ओर बढ़ रहा है, इसमें हम सब लोग एक दूसरे का सहयोग कर सबको आगे बढ़ाएं। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जयवीर पोसवाल ने कहा कि हमें ऐसी प्रतिभाओं पर गर्व है, हम हमेशा समाज के लिए समर्पित भावना से काम करेंगे। कार्यक्रम में हाल ही में चयनित आरएएस अधिकारी मुकेश गुर्जर एवं जोगिंदर कपासिया का सम्मान भी किया गया। गांव को एक ही बात कहना चाहते हैं, अगर हमने कोई भी मिशन बनाया है और मिशन बना के हम कार्य करेंगे तो सफलता जरूर कदम चूमेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और कोई भी एक लाइन हमने पकड़ ली, हम युवाओं के लिए स्पेशली यही संदेश देना चाहेंगे कि रास्ता चुने, एक चुने। हमें राजनीति में जाना है तो राजनीति का कार्य करें, हमें प्रशासन में जाना है तो हम प्रशासन के क्षेत्र में काम करें। दिल्ली आजाद मंच भारत की वर्तमान आरक्षण व्यवस्था के विरोध में एक वर्चुअल मीटिंग रविवार देर रात्रि आजाद मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष यूएस राणा के मार्गदर्शन में हुई, जिसमें संपूर्ण देश के कई प्रांतों से जुड़े सक्रिय मंच के पदाधिकारी व सदस्यों ने हिस्सा लिया। वर्चुअल मीटिंग में संपूर्ण देश में 8 अगस्त को आरक्षण के विरोध में काला दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। ये है रायाखेड़ा बाईपास पुल और देखो पानी भरपूर भरा है और यहाँ से समथिंग 500 मीटर तक पानी ही पानी है, इतना पानी है कि लोग डूब के जा रहे हैं। ये गोविंद वाटिका है और पानी इतना है कि लोग डूब डूब के जा रहे हैं। कई गाड़ियाँ मेरे सामने इतनी बंद हो चुकी हैं बहुत, कई इसमें बीच में सीवर लाइन भी खुदी हुई हैं तो सीवर लाइन में इतना पानी भर गया है कि 2-3 लोग गिरते बचे। देखो ये कैसी गाड़ियाँ जा रही हैं, आधी आधी तक गाड़ियाँ भर के जा रही हैं। कृपया नगर परिषद से मेरा निवेदन है कि इसको सही करावें और सीवर लाइन की वजह से इतना प्रॉब्लम हो चुकी है बहुत ज़्यादा।